हेलो गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल एंड वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग कैसे हो आप सब मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सभी अच्छे हो मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ मेरे भाई चले गए थे तो उसके बाद दो तीन दिन मैं फिल्म नहीं की बिकॉज आई वाज वेरी सैड और पेनी का तो मैं क्या ही बोलूँ पेनी ऑल्सो वॉज वेरी सैड मेरी फ्लाइट भी थी बैक टू बैक आज भी मेरी फ्लाइट है पर फिर पापा को भी आना था कुछ मार्केटिंग करनी थी तो मैंने कहा एक दिन नहीं इस बार आप दोनों दो दिन रह जाना क्योंकि भाई भी यहाँ पे चार दिन रह के गया है तो पापा ऑल्सो कैन टेक टू डेज ब्रेक अब देखो सुबह मेरी इम्फाल बागडोगरा फ्लाइट है तो मैं निकल रही हूं यहां पे पापा भी निकलेंगे इसीलिए कपड़े पहन लिए हैं एंड यस गाइज आई विश कि आज छुट्टी होती आई थिंक आज तो मेरी छुट्टी थी बट आई वॉज पुल्ड आउट फॉर दिस फ्लाइट पर हाँ आज ही पुल आउट नहीं हुआ मैं दो दिन पहले पुल आउट हो गई थी तो अभी मैं रेडी हो रही हूं यूनिफॉर्म पहले ही पहन लिया था क्योंकि बाल बनाने के बाद यूनिफॉर्म नहीं पहन सकते अभी हमारे यूनिफॉर्म ऐसे हो गए हैं पहले हमारे रेड यूनिफॉर्म हुआ करता था अभी ये मरून जैसा है आपको पता होगा पहले जब मैं वीडियो बनाती थी तब मैं यूनिफॉर्म में बनाती थी वीडियोस फिर बीच में मैं बिल्कुल भी यूनिफॉर्म नहीं दिखाती थी बिकॉज मुझे मना किया गया था पर शुरू में जब मैं वीडियोस बनाती थी तब ना मेरे पास कैमरा था और मैं फोन में नहीं बनाती थी तो मैं कैमरा घर पर छोड़ के जाती थी फ्लाइट की कोई भी चीजें आपको नहीं दिखता था बिल्कुल भी नहीं मतलब एयरपोर्ट भी नहीं इसीलिए बहुत लोगों को लगता था कि मैं कैबिन क्रू नहीं हूँ बस प्रिटेंड करती हूँ टू बी अ कैबिन क्रू पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं था क्योंकि कैबिन क्रू का यूनिफॉर्म मिलना इतना आसान नहीं होता है ऑफ कोर्स कोई अगर ऐसे पर्सन है जिन्होंने जॉब छोड़ दिया उनके पास एक आधा पीसेसड बिकॉज इट इज इलीगल मैं बस आपको बता रही हूँ आपकी जानकारी के लिए कि इतना आसान नहीं होता कि किसी एयरलाइन की यूनिफॉर्म आप लेके आ जाओ और उसमें वीडियो बनाओ तो फिर बहुत सारे लोग ऐसे करते लास्ट दिन भी जब इम्फाल आई थी ये वाली एयरक्राफ्ट दिखी थी तो यहाँ पे देखो एंजिन में लाल कलर के कुछ बांधे हुए हैं मतलब ये कहीं नहीं जाने वाला है अभी कुछ दिन के लिए यहीं पे रहेगा तो जब ही आऊंगी मैं ये एयरक्राफ्ट को देखूंगी और आपको भी दिखाऊंगी जब मैं कैमरे से वीडियो बनाती थी आपको मैं बार बार बोलती थी कि मुझे बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है क्योंकि कैमरा बहुत हैवी है और मैं हर जगह लेके नहीं जा पाती हूँ तो आप लोग मुझे बहुत दिन से बोल रहे थे कि आप फ़ोन ख़रीद लो आई ख़रीद लो और फिर उस समय आई फोन लॉन्च हो रही थी एक बार तो मैं सोची थी फोर्टीन ले लूंगी फिर मैंने देखा कि फ़िफ्टीन भी लॉन्च होने वाली है तो इसीलिए मैंने सोचा कि अगर लेना है तो थोड़े महीने मैं वेट कर लेती हूँ पर क्योंकि ये काफ़ी एक्सपेंसिव थी और ये एक्चुअली मेरे कैमरे से भी ज़्यादा एक्सपेंसिव था और मैं बहुत ज़्यादा सोच रही थी कि लेना चाहिए कि नहीं क्योंकि ऑलरेडी कैमरे में मैंने इतना इन्वेस्ट कर दिया था और फिर से उससे ज़्यादा अमाउंट इन्वेस्ट करना तो बहुत ज़्यादा मैं डिलेमा में थी उसके बाद लॉन्च हुई और लॉन्च होने के बाद मुझे जो कलर चाहिए था वो कहीं नहीं मिल रहा था लिटरली लाइक like मैं उस समय दिल्ली भी जा रही थी ट्रेनिंग के लिए फिर बैंगलोर भी जाती थी डेपटेशन के लिए पर उस समय कहीं पे भी मुझे, ये कलर मिल नहीं रही थी. बस मुझे और ब्लू ही कलर मिल ही नहीं रही है मुझे और ब्लू नहीं लेना है फिर मैंने बीच में सोचा था कि लेट मी ड्रॉप प्लान और फिर जाके एक दिन मुझे लोगों को बोल के रखी थी एंड जो मेरे बहुत ही करीब के हैं उन्होंने एक जन का नंबर दिया था और उन्होंने कहा कि ये वाला कलर हमारे स्टोर में अवेलेबल है आप आके लेके जा सकते हो आई वॉज सो सरप्राइज बिकॉज मैं बिल्कुल भी उम्मीद छोड़ दी थी कि मुझे ये वाला कलर मिलेगा और अगर ये कलर नहीं मिलेगा तो मैं लूंगी नहीं ऐसा सोच लिया था कभी कभार लाइफ में ऐसा होता है ना कि हमें कुछ चीज चाहिए होते है हम बहुत कोशिश करते हैं उसके पीछे इतना मेहनत लगाते हैं हर जगह हर तरीके हम अपना लेते हैं पर वो नहीं हो पाता है और फिर जाके जब हम ऐसे कर लेते कि बहुत हो गया अब मैंने बहुत कोशिश कर लिया नाउ जस्ट लेट इट गो और उसके बाद वो अपने आप से हो जाता है ऐसा मेरे साथ दो तीन बार हुई हैं कभी कभार ऐसा भी हुआ है कि मैं जो चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत लगाई वो कभी हुआ ही नहीं और कुछ और हो गया उस समय मुझे समझ नहीं आई कि ये जो हुआ ये अच्छा हुआ क्या हुआ बट बाद में रियलाइज़ हुआ कि ये बेस्ट हुआ मेरे लिए और फिर भी फॉर द टाइमिंग आपको वो शिकायत रहती है अपने अंदर कि क्यों नहीं हुआ इतना तो मैंने कोशिश किया पर हाँ ऐसा कभी आपके साथ हुआ तो वो स्टोरी आप कमेंट सेक्शन में शेयर करना हाँ आईफोन uh, जब मैं ख़रीदी उसके बाद आपको जब दिखी कहीं कहीं कि मैंने आईफोन ख़रीदा है तो आप लोग मुझे ये भी पूछ रहे थे कि दी आपने ये अनबॉक्सिंग वाला वीडियो क्यों नहीं शेयर किया अब देखो मैं चाहती थी शेयर करूँ ठीक है पर जब मैं खरीद रही थी मुझे खुद बिलीव नहीं हो रहा था कि इतना महंगा फ़ोन मैं ख़रीद रही हूँ और मैंने ना इसको मतलब एक बार में पेमेंट करके खरीदा था आई फील लाइक वो एक अचीवमेंट भी है पर मुझे ना बहुत दुख हुआ था सीरियसली जब मैं पे कर रही थी ना आई वॉज़ फीलिंग लाइक ऐसा अजीब सा फ़ील हो रहा था मुझे कि इट्स सो so एक्सपेंसिव मैंने शायद इतना एक्सपेंसिव कुछ चीज़ मेरे लाइफ में अभी तक नहीं खरीदी बिकॉज ऑफकॉर्स मैंने गाड़ी भी नहीं खरीदा मैंने फ्लैट भी नहीं ख़रीदा इतना एक्सपेंसिव कुछ चीज़ मैं फ़र्स्ट टाइम खरीदी थी वो भी एक बार में पेमेंट करके तो मैं वीडियो बनाना चाहती थी पर फिर मुझे लगा कि आप लोग मुझे देखकर इंस्पायर्ड होते हो एंड आई डोंट वॉन्ट कि आप सोचो कि आपको भी ये फ़ोन चाहिए तभी आप कुछ कर सकते हो वीडियो बना सकते हो ऐसा नहीं है आप कोई भी फ़ोन से शुरू कर सकते हो शुरू में आपको इतना ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट करने की जरूरत नहीं है क्योंकि मैं ऑलरेडी सोशल मीडिया पर काम कर रही थी इसीलिए मुझे पता था कि ये मेरे लिए एक इन्वेस्टमेंट और मैं इसको बहुत ज़्यादा यूज़ करने वाली हूँ एंड इसके वजह से मेरे लाइफ भी काफ़ी ईजी हो गया है पहले मैं बहुत स्ट्रगल करती थी मेरा लैपटॉप भी काफ़ी पुराना था तो उसमें मेरे जो मतलब जो भी वीडियोज़ बनाती थी बहुत हाई रेजोल्यूशन का होता था तो मेरा लैपटॉप बहुत ज़्यादा हैंग करता था ऐसे ही बीच में बंद हो जाता था मेरी एडिटिंग उड़ जाती थी फिर मुझे दोबारा से एडिटिंग करना पड़ता था ऐसा भी हुआ कभी कभार कि दो घंटे से मैंने एडिटिंग करा और पूरे वीडियो ही गायब हो गया ऐसा भी हुआ तो फ़ोन में क्या है कि हैंग तो करती है बिकॉज़ मैं सबसे ज़्यादा हाई रेजोल्यूशन जो है उसमें फिल्म करती हूँ तो इस फ़ोन में भी जब मैं एडिट करती हूँ कभी कभार वो अटकता है और हैंग तो नहीं पर ग्लिचेज़ आते हैं लैग करता है पर हाँ फिर भी इट्स नाउ ईजियर क्योंकि फ़ोन में क्या है कि बैटरी डाउन होने का इतना इशू नहीं होता है आप पावर बैंक यूज़ कर सकते हो और फिर लैपटॉप का बहुत बल्क होता है कैरी करना मुश्किल होता है स्पेशली ट्रैवलिंग में क्योंकि मेरा काम ही ट्रैवलिंग का है तो फिर कभी कभार मैं अगर ट्रेनिंग में जारी होती हूँ या डेपुटेशन में जारी होती तो ढाई घंटे की फ्लाइट में मेरे पास कुछ काम ही नहीं होता है उस समय मैं अपना कुछ काम कर सकती हूँ फ़ोन से सो येस माई लाइफ हैज़ बिकम रियली रियली ईजी और ये आइडिया एक्चुअली में आप ही लोगों ने सबसे पहले मेरे दिमाग में डाला था और उसके बाद मेरे एक फ्रेंड है जो यूट्यूब करता है तो उसने भी मुझे बोला था कि व्लॉग के लिए आप फ़ोन खरीद लो क्योंकि कैमरा जो है वो हर जगह अलाउ नहीं होती है जैसे शॉपिंग मॉल हो गया कहीं पर भी कैमरा आप लेके ले नहीं जा सकते पर फोन हर जगह लेके जा सकते हो सो येस फॉर मी इट वॉज अ काइंड ऑफ अ ग्रेट इन्वेस्टमेंट और अभी ऑलमोस्ट एक साल होने को है लास्ट ईयर इसी समय में खरीद रही थी एक साल हो जाएगी अभी आई बिलीव सो यस गाइज थैंक यू सो मच और अगर आपका भी ऐसा कुछ स्टोरी है आप मेरे साथ शेयर करना ठीक है सुबह उठ गई थी मैं कल स्लाइड करके आके ज़्यादा कुछ किया नहीं था आप देखे हो क्या किया खाना वाना खाए हम सो गए थे फिर और ये सुबह उठ के मैं मम्मी को थोड़ा सा परेशान कर रही थी अब मेरे बाल देखो पीछे से कैसे हो गया ना तो ये जो एक बाउंस बना है जो एक ऐसा दिख रहा है आपको कि अंदर चला गया तो उसके नीचे वाले जो पोर्शन है वो मेरे बोटों किया हुआ हेयर है और ऊपर वाला जो है वो मेरा अपना हेयर नेचुरल जो है वो ग्रोथ हुई है अभी मैं कोई ट्रीटमेंट नहीं करने वाली हूँ बोटॉक्स या जो भी है बिकॉज आई टू गिव माई हेयर अ ब्रेक अभी इट्स फ्यू नाउ मैं साल में या सात आठ महीने में एक ट्रीटमेंट कर लेती हूँ अभी मैं थोड़ा सा कलर करा के आऊंगी ग्लोबल प्लस हाईलाइट लास्ट ईयर दुर्गा पूजा में ग्लोबल नहीं कराई थी मैं बस हाईलाइट कराई थी जो अभी भी है नीचे के पोर्शन में हेयर के नीचे के पोर्शन में पर इस बार शायद से मैं एकदम डार्क ब्राउन कराऊंगी नॉर्मल जो कलर ग्लोबल है और फिर हाईलाइट्स में भी बहुत ही हल्का सा कुछ कराऊंगी बिकॉज इट्स बिन लाइक दिस तो मुझे थोड़ा चेंज करने का मन है फिर नेक्स्ट टाइम जब कराऊंगी थोड़ा लाइट कलर कराऊंगी नहीं तो सेम सेम रहता है तो अच्छा नहीं लगता अभी यहाँ पे मेरी मम्मी चली जा रही थी एंड आई स्टार्टड कराइंग कि मुझे मेरी मम्मी चाहिए मैं ऐसे ही करती रहती हूँ जब मैं घर पर होती हूँ या मम्मी आती है तो हर समय मुझे मम्मी चाहिए होता है कि मेरे पास ही बैठे रहे हम दोनों साथ में बैठे रहे स्पेशली खाना खाते समय कुछ भी करते समय एंड यस लाइक जब पेरेंट्स होते हैं या कोई भी होता है मेरे साथ मेरे दोस्त हो दोस्त तो कहाँ रहते ही नहीं है कोई बट हाँ पेरेंट्स और मैं जब घर भी जाती हूँ मैं इतना ज़्यादा सोती हूँ ना मतलब मैं सो गई तो एकदम सो गई ये मैं जब लास्ट ईयर ट्रेनिंग भी करी थी दिसंबर में यू मस्ट रिमेंबर देर वॉज़ वन ऑफ माई कलीग एंड फ्रेंड विथ मी एंड शी वॉज टेलिंग मी कि पायल आप एकदम सोते ही सो जाते हो क्या मैं तो फ़ोन चलाती हूँ थोड़ी देर देखती हूँ कि आप सो गए बिल्कुल एकदम गहरी सांस जो होती है ना उसकी आवाज़ आती है तो मैं ना किसी के साथ होती हूँ तो मैं बिल्कुल मैं थकी हुई होती हूँ ऑफकोर्स पूरा दिन ट्रेनिंग होता है बहुत थक जाते हैं हम तो मैं एकदम नहा धो के खाना वाना खा के हम दोनों थोड़ी देर बिग बॉस देखते थे उसके बाद हम दोनों सो जाते थे बिल्कुल और मैं एकदम सोते ही सो जाती थी ऐसा आदत नहीं है मेरा कि मैं सोने के बाद फिर फोन चलाऊ थोड़ी देर पर वो बोलती थी कि हाँ मैं देखती हूँ आप सोते ही सो जाते हो पर जब मैं अकेली होती हूँ तब मुझे बहुत दिक्कत होती है इवन इफ आई एम टायर्ड मेरे को नींद नहीं आती है फिर मैं फ़ोन चलाती हूँ कभी कभार क्योंकि मुझे नींद नहीं आता है ये मेरा एक प्रॉब्लम है अकेले रहने में मुझे बहुत ज्यादा तकलीफ होती है मैं आपको भी बोलती रहती हूँ

करना ही पड़ेगा अब चलो हम लोग ये इलिश भापा बना रहे हैं इट्स वेरी इजी टू मेक इसके अंदर बस आपको पॉपीसीड फिर मास्टर्ड ये सब कुछ पेस्ट बना के एक पाउडर बना लो और फिर उसका पेस्ट बना लो बना के डाल दो देन आप मिर्ची डाल दो जितना आपको चाहिए ऑयल तो मैं बहुत कम डालती हूँ जब मैं खाती हूँ पर ये मैं नहीं खाऊंगी इसीलिए इसमें दो स्पून ऑयल डाले नहीं तो मैं वन स्पून भी नहीं डालती पर हाँ ऑयल थोड़ा ज़्यादा डालोगे तो थोड़ा बेटर टेस्ट आएगा और फिर मिर्ची अपने हिसाब से डाल दो थोड़ा सा हल्दी पाउडर भी डालना है तो वाइट वाइट होता है दैट्स ऑल नमक और शक्कर हम बंगाली लोग हर चीज में थोड़ा सा शक्कर डालते हैं बट यू डोंट नेसेसरी नीड टू डू दैट अगर आपको नहीं पसंद है तो मत डालो अब हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे मिक्स इन देंस कि सारे जो फिश के पीसेस है उसके अंदर ये पेस्ट चले जाना चाहिए नहीं तो वो पेस्ट अंदर नहीं जाएगी और अच्छा टेस्ट नहीं करेगा तो ऐसे ऐसे कर दिया मैंने अब इसके बाद ढक्कन बंद करनी है और प्रेशर कुकर में सीटी लगाना है वो भी आपको मैं दिखाती हूँ ये जो मेरा टिफिन बॉक्स है ना इसके ढक्कन बहुत ही टाइट है तो ये खुलता नहीं है पर अगर आपके टिफिन बॉक्स जो है वो इतना ज्यादा ढक्कन जो तो लूज है कभी कभार होता है तो इसको ना आप सेलो टेप से या कुछ भी चीजों से बांध देना मैं जैसे कभी कभार रस्सी से भी बांध देती हूं अगर मेरा टिफिन बॉक्स अच्छे से नहीं बंद होता है तो और बांध के ही प्रेशर कुकर के अंदर डालना इसके अंदर थोड़ा सा पानी भी है जैसे आपको दिख रही है पानी बहुत ज्यादा भी मत डालना कि वो टिफिन बॉक्स के उस रिम के अंदर से अंदर चले जाए पानी तो पूरा पानी पानी हो जाएगा और इसका टेस्ट भी खराब हो जाएगा सो जस्ट मेक श्योर कि पानी ज्यादा ना डालो और टिफिन बॉक्स अगर खुलने का चांसेस है उसको किसी से बांध दो एंड देन दो तीन सीटी लगा दो that's it. उसको फिर रहने दो ऐसे ही दो तीन सीटी लगाने के बाद और फिर बन बनके आपका इलिश भापा आप राइस के साथ ही खा सकते हो रोटी के साथ मैंने ट्राई नहीं किया पर देन यू कैन ट्राई अब देखो मैं नहा के आ गई थी एंड नाउ आई एम पुटिंग माई स्किन केयर और पेनी भी आ गई थी यहाँ पे स्किन केयर अप्लाई करने के लिए पर उसको अप्लाई करने की जरूरत नहीं है बट शी लव्स द स्मेल पर ये सारे प्रोडक्ट्स जो है फ्रेग्रेंस फ्री है किसी प्रोडक्ट में अगर कोई नेचुरल फ्रेग्रेंस है वो ही होता है नहीं तो ऑल प्रोडक्ट्स आर फ्रेग्रेंस फ्री मुझे आजकल फ्रेगरेंस से बहुत ज़्यादा इश्यूज होते हैं अगर वो बहुत ज़्यादा मतलब जो होता है ना बहुत स्ट्रॉन्ग स्मेल होती है आई डोंट लाइक इट नाउ एट इज़ और आजकल मैंने जो टोनर है मेरे सिरम भी मैं डिफरेंट डिफरेंट ट्राई कर रही हूँ तो आप लोग मुझे पूछ रहे थे एक छोटा वीडियो बनाने के लिए विद द अपडेटेड स्किन केयर रूटीन सो आई एम गोइंग टू द रूटीन इज सेम बट दिन प्रोडक्ट चेंज की हूँ तो मैं एक छोटा सा वीडियो बनाऊँगी एक मिनट का और आपको बताऊँगी क्या सारे प्रोडक्ट्स मैं अभी यूज़ कर रही हूँ एंड येस दिस इज़ माई नैसनामाइट सिरम जो मैं इसके बाद अप्लाई करने वाली हूँ प्लम नैसिनमाइट टेन परसेंट विथ राइस वाटर ये तो मेरा कल फेवरेट है और मैं हमेशा ही यूज़ करती हूँ इसको जब मैं नए कुछ ट्राई नहीं कर रही हूँ और ये मतलब मेरे पास रहता ही है इसके दो और मेरे पास खरीदे हुए भी हैं आप लोगों को भी ये सिरम बहुत पसंद आई है और आप लोग भी मुझे बोले हो कि दिस वर्क्स द बेस्ट फॉर यू बहुत अच्छा ग्लो आता है अगर ऑयली स्किन है आपके और थोड़ा सा मतलब ओपन पोर्स है तो ये बहुत अच्छा काम करेगा आप फाइव वाला यूज़ कर सकते हो अगर आप फर्स्ट टाइम यूज़ कर रहे हो नायसिनमाइट पर अगर आप ऑलरेडी नायसिनमाइट यूज़ करते हो भले वो मॉइस्चराइजर में हो या टोनर में हो देन यू कैन टेक द टेन परसेंट पर हाँ छोटा वाला फिफ्टीन एम एल आती है वो वाला साइज़ खरीद के पहले देखना कि सूट होती है कि नहीं एंड देन यू कैन टेक द थर्टी एम एल थर्टी एम एल तक की आती है इससे बड़ा नहीं आता फिर मैं पूजा कर ली थी एंड आई एम हैविंग वाटर दिस इज़ अ सिल्वर ग्लास अब सिल्वर uh, ग्लास में मैं पानी पीने की कोशिश कर रही हूँ इमोशन uh, के लिए यार मैं बहुत इमोशनलेस हो रही हूँ इससे मून बैलेंस होती हैं और uh, मेरे जो चार्ट है और मेरे जो नंबर्स है, उसमें मून का नंबर नहीं है जो कि दो नंबर होती है न्यूमोलॉजिकली आई एम सेइंग न्यूमोलॉजी से थोड़ा सा इंटरेस्ट ले, ले रही हूं बिट जस्ट फॉर माई सेल्फ सो दैट कोई और मुझे बेवकूफ ना बना पाए आप भी सीखना अगर आपको इस सब चीजों पर इंटरेस्ट है तो खुद के लिए और ये मैं पेनी को पहना रही हूं पेनी इज हैविंग हर पीरियड्स तो ये पहनाना पड़ेगा ये आप ही लोग मुझे एक वीडियो भेजे थे और उसमें मैंने देखा था एंड यू गाइज सेंड मी सो मेनी थिंग्स जिससे मैं कुछ चीजें मैं सीखती हूँ और वो मुझे बहुत हेल्प करती है तो ये सैनिटरी नैपकिन नहीं सैनिटरी नैपकिन तो नहीं लगा पाती उसमें पैंटी लाइनर लगा देती हूँ मास्क में और फिर एक ऐसे कुछ बांध देती हूँ छोटे अगर है आपके ब्रीड उसमें बांधने का भी जरूरत नहीं होता है इसी में हो जाएगा बर्दन पेनी थोड़ी सी लंबी है तो एक कुछ ऐसे रस्सी जैसा बांधना पड़ता है तो मैं मेरा स्टॉकिंग्स बांधती हूँ बिकॉज वो बहुत सॉफ्ट होता है और स्ट्रेचेबल होती है सो आई जस्ट पुट द स्टॉकिंग्स ऐसे काट के थोड़ा सा और फिर मैं इसको लगा देती हूँ अब पीरियड्स आती है पेनी को आठ नौ महीने में एक बार या कभी कबार एक साल में भी एंड लास्ट फॉर लाइक ट्वेंटी ट्वेंटी फाइव डेज मिनिमम एक महीने जैसा रहता है इट्स वेरी वेरी अनोइंग फॉर हर्ड मेरे लिए तो इतना ज्यादा नहीं है बिकॉज मैं समझ सकती हूँ उसको मूड स्विंग होता है उसको आप कुछ नहीं बोल सकते इस समय यू हैव टू ट्रीट हर लाइक अ प्रिंसेस ऑफकोर्स शी इज अ प्रिंसेस ओनली बट दैन उसको आप कुछ नहीं बोल सकते उसको जो करना है जहाँ पे बैठना है जहाँ पे सोना है खाना है तो खाएगी नहीं खाना है तो नहीं खाएगी तो ऐसा ही करेगी मन मर्जी करेगी बिल्कुल एंड आई टोटली कैन अंडरस्टैंड उसको क्रैम्स भी आती है उसको बहुत दर्द भी होता है कभी कभार एंड नाउ शी स्लीपिंग फिर हम लोग ना खाना खाने के बाद थोड़ी देर ऐसे ही रेस्ट कर देन माई डैड गॉट मैंगोज अभी अभी मैंगोज मैंगोज बस थोड़ा ही मिल रहे हैं और लास्ट अभी शायद एक दो हमें मिलेगा उसके बाद नहीं मिलेगी फिर हम मैंगोज खाए एंड देन वी आर हैविंग टी इन द इवनिंग और ये रात का डिनर ये सब्जी जो दिख रही है आपको ये बनाना स्टेम से बनती है मम्मी बहुत अच्छा बनाती है फिर हम डिनर किए और डिनर करने के बाद हम सो जाएंगे चार दिन बैक टू तो बैक फ्लाइट करने के बाद मुझे एक दिन छुट्टी मिली थी क्योंकि चारों दिन मैंने मॉर्निंग फ्लाइट कराया तो रात को अच्छे से नहीं सोए थे इसीलिए आज हम जल्दी खाना खा रहे हैं और जल्दी सो जाएंगे तो आज के वीडियो को मैं यहीं पे समाप्त कर करी हूँ और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा साथ में नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लीजिएगा ताकि मैं जब भी नया वीडियो पोस्ट करूँ आपके पास नोटिफिकेशन आए और कमेंट सेक्शन में जरूर से बताना जो मैंने आपसे पूछा है तो चलो आज के लिए इतना ही बाई टेक केयर